चंडीगढ़ पीजीआई में कुछ दिन पहले हुए अग्निकांड मामले में पीजीआई प्रशासन ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दोषी करार दिया है। पीजीआई प्रशासन ने आग लगने के मामले में पीजीआई के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गलती मानी है। पीजीआई डायरेक्टर ने बताया कि अब पीजीआई की सभी यूपीएस और बैटरियों को बिल्डिंग से बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ ही पुरानी यूपीएस और बैटरियों को बदलने का काम भी 3 महीने में पूरा किया जाएगा। जांच कमेटी को 10 यूपीएस बैटरी भी खराब होने का पता चला है, जिन्हें 6 महीने पहले ही रिप्लेस किया गया था, जिसके चलते इंजीनियरिंग विभाग के जिन कर्मचारियों ने समय से इन बैटरी और यूपीएस को नहीं बदला था, वह भी इस लापरवाही के दोषी है। देखो उसमें दोनों दफा देखो जो फायर हुई दैट वाज इन अ यूपीएस बैटरी बैकअप। देयर वर टू ब्लास्ट अराउंड मिडनाइट एंड वो ब्लास्ट से फायर एनगल्फ कर गई सी ब्लॉक को। व्हाट वी हैव फाउंड आउट इज 1 वीक और 10 डेज बिफोर दैट बैटरी हैड बीन सर्विस्ड। नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल, और उसके बाद ये कंफर्म किया गया कि जो सर्विस हुई है अगले दिन वो बैटरी लोड ले रही थी, सो दैट थिंग वॉज एड्रेस्ड। But that battery had been there for 3 years and it was as per protocol to apni outlive nahi ki life, but it probably should have been replaced around that time.